कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण बस, रेल और हवाई सेवा भी ठप है। हालांकि भारतीय रेलवे की ओर से 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस बीच अब हरियाणा सरकार ने रोडवेज की बसों को चलाने का फैसला किया। राज्य के कुछ जिलों में शुक्रवार से बस का पहिया दौड़ेगा। बस का टिकट ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बस में 30 यात्री से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे। बस में सफर करने वाले यात्री, चालक और परिचालक सभी मास्क लगाकर रहेंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ये सभी बसें प्रदेश के अंदर ही चलेंगी। सभी बसों को सैनिटाइज करने के बाद ही रोड पर चलाया जाएगा। बसें सिर्फ अम्बाला, भिवानी, हिसार, कैथल, करनाल, नारनौल, पंचकुला, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा डिपो से चलेंगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि राज्य परिवहन की बसें फिलहाल हरियाणा से बाहर और कोरोना वायरस से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में शुरू नहीं की जाएंगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही रिव्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।